हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में नवीन मंडी यार्ड भरतपुर में स्थित हनुमान मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य कलश यात्रा कुमेर गेट से नवीन मंडी यार्ड भरतपुर हनुमान मंदिर तक कलश यात्रा निकाली गई। मीडिया प्रभारी इंजीनियर घमंडी सिंह हरोली ने बताया कि इस अवसर पर सैकड़ों महिलाएं एवं भक्तगण मौजूद रहे। नवीन मंडी यार्ड अध्यक्ष रघुवीर सिंह टुन्ना ने बताया कि इस अवसर पर हनुमान मंदिर पर अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ किया गया है, जो प्रभु इच्छा तक हमेशा चलता रहेगा। नरेंद्र सिंगल भाजपा पदाधिकारी ने बताया कि कलश यात्रा में ड्रोन द्वारा पुष्प वर्षा की गई। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रसादी एवं भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रघुवीर सिंह टुंडा, नरेंद्र सिंगल, इंजीनियर घमंडी सिंह, गोपाल गिरी, महाराज गजेंद्र देशवाल, बॉबी सूरजमान, गौरव गोयल, संजय, सुनील तिवारी, सतीश, संजय मित्तल, दाऊ दयाल, श्याम सुंदर, अभय जैन, हकीम धनेश, निकेश, मोहित विष्णु, पिंटू, मनोज सिंघल, राम विष्णु, मखन संजय शर्मा, राधे बबलू, बंसल, मोनू द्वारका, अंकित, सतवीर सुबेदार, हरिंदर शर्मा, पूरन शर्मा, रौनक शर्मा आदि मौजूद रहे। भरतपुर से कैमरा पर्सन मनीष शर्मा के साथ सतीश सारस्वत की रिपोर्ट। आज जो नवीन मंडी यार्ड हनुमान मंदिर पर जो प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है उसके बारे में बताएं। हर साल मंडी वाले हनुमान जी पर हनुमान जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इस बार अखंड रामायण पाठ का भी आयोजन है, कलश यात्रा और भव्य शोभा यात्रा निकाल कर मंडी में हनुमान जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। हम सभी भाई मिलजुल कर बड़े धूमधाम से हनुमान जयंती मना रहे हैं और सभी व्यापारीगण, किसान भाई, मजदूर वर्ग, सभी भाइयों को कुशल मंगल, समृद्धि, यश की कामना करते हैं भगवान से। इसी तरह हर साल हनुमान जयंती मनती है। आपका शुभ नाम? रघुवीर सिंह कुंडा, अध्यक्ष नवीन मंडी यार्ड।